बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। व्यूवर्स, आज हम लियाकताबाद एक्वेरियम साइट पर आए हैं जहाँ पर लायंस एक्वेरियम शॉप हैं। आप लोगों को बता दूं व्यूवर्स के आप लोगों के असरार पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मैं मजबूर कर दिया था कमेंट्स में बार बार राइट करके कि आप लोग एक्वेरियम साइट को भी विज़िट किया करें, तो ख़ासकर उन व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर आज आए हैं। वैसे हमारे आने का मकसद ये था कि फ़िश की आप लोग को एक अपडेट देते हैं, लेकिन यहाँ पर मालूम हुआ है कि यहाँ पर अभी फ़िशेज़ जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर लाइन से शॉप्स हैं और हमें यहाँ पर फ़िशेज़ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जितनी भी यहाँ पर फ़िशेज़ होंगी उन पर नज़र डालेंगे, आपकी खिदमत में प्रोग्राम बना के पेश करेंगे। तो यहाँ पर लाइन से शॉप्स हैं, लेकिन आप लोग को बता दूं कि हमारा जो विज़िट होता है वो एस के मरीन में होता है, क्योंकि एस के मरीन एक वाहिद ऐसी शॉप है जहाँ पर सॉल्ट वाटर की फ़िशेज़ भी आती हैं, यूनिक फ़िशेज़ भी आती हैं। तो हम लोग एस के मरीन में विज़िट करते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को यहाँ पे जो दूसरी मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं वो भी आप लोग को दिखाई जाएँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हम दूसरी शॉप के अंदर इंटर हुए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें फ़िशेज़ में वैरायटी नज़र नहीं आ रही है। बहुत कम फ़िशेज़ मौजूद हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि वो व्यूवर जो बार बार हमें कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि आप लोग जो है एक्वेरियम साइट को विज़िट किया करें, एक्वेरियम हाउस के ऊपर वीडियो बनाया करें, तो ख़ासकर उन व्यूवर्स को दिखा रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी फ़िशेज़ में बहुत कम इम्पोर्ट चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िशेज़ बहुत कम हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ासकर इसलिए आएँ ताकि आप व्यूवर्स को अंदाज़ा हो जाए कि अभी फ़िशेज़ में क्या इम्पोर्ट हो रही है, नहीं हो रही है। और यहाँ पर चल के देखते हैं, एस के मरीन में विज़िट करेंगे। हमारा जो रुख है एस के मरीन की तरफ है, तो चलते हैं एस के मरीन के अंदर। यहाँ पे फ़र्स्ट शॉप है, फ़र्स्ट शॉप के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ टैंक्स मौजूद हैं जिसमें यहाँ पे फ़िशेज़ के वैराइटीज़ हैं। तो आप लोगों को बता दूं व्यूवर्स कि फ़िशेज़ अभी इम्पोर्ट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर फ़िशेज़ मौजूद हैं वो एक ओवरव्यू में दिखा रहे हैं, रफली आप लोग को दिखा रहे हैं। उसके बाद डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपकी खिदमत में अपडेट पेश करेंगे। आइए सेकेंड शॉप की तरफ मूव करते हैं एस के मरीन की। सेकेंड शॉप में एंटर होने के बाद देख सकते हैं व्यूवर्स कि इन्होंने यहाँ पर एक सेपरेटली जो है सॉल्ट वाटर का इन्होंने सेपरेट ये बना लिए हैं। सॉल्ट वाटर के इन्होंने सेपरेटली टैंक तैयार किए हुए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो तैयार हमें नज़र आ रहे हैं टैंक, उनमें लाइटनिंग वगैरह है। नज़र डालेंगे यहाँ पर कौन कौन सी फ़िशेज़, क्या क्या चीज़ें सॉल्ट वाटर की मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी खाली टैंक आप व्यूवर्स को नज़र आ रहे होंगे। अभी यहाँ पे फिशेज़ इम्पोर्ट नहीं हुई हैं, तो देख सकते हैं व्यूवर्स के ज़्यादातर हमें जो टैंक नज़र आ रहे हैं वो खाली टैंक नज़र आ रहे हैं। लेकिन ख़ासकर आप व्यूवर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे होते हैं कमेंट में कि हमें एक्वेरियम हाउस की अपडेट दें, तो देख सकते हैं कि अपडेट आपके सामने ही है। आइए जो यहाँ पर मछलियाँ हैं उनसे मुतालिक मालूम करते हैं। तो एस के मरीन के यहाँ पे ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपके खाली टैंक तो देख लिए, कुछ कहना चाहेंगे उससे मुतालिक? सर माल थोड़ा डिले हुआ है, स्पेस की वजह से माल आ नहीं रहा था। जो डेट मिल रही थी मैं उस डेट पे माल आ नहीं रहा था, तो स्पेस नहीं मिल रहा था। अब इंशाल्लाह स्पेस मिल गया है, तो फ्राइडे को इंशाल्लाह कंसाइनमेंट आ जाएगी। अच्छा, आपको बता दूं हमारे व्यूवर्स इस बात को समझते नहीं, वो सोचते हैं कि हम शायद अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो आज मैं खासकर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि नहीं खाली टैंक यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक फ़िशेज़ इम्पोर्ट नहीं हुई हैं। ये वजह यह है कि अभी बीच में हो रहा था कि उसमें ड्यूटी का एक्सपेंस हो रहा था कि ड्यूटी बढ़ गई है, तो इस चक्कर में अभी थोड़ा माल रोका हुआ था कि इम्पोर्टेड माल होता है, लोकल तो नहीं होता है, इसमें टैक्स वगैरह सब पे करना पड़ता है। तो दूसरा यही स्पेस भी देखा जाता है, कार्गो में स्पेस है नहीं है, और स्पेस होता है तो माल आता है, वरना माल रोक दिया जाता है। तो इंशाल्लाह ये फ्राइडे को कंसाइनमेंट आ गई है, तो ये डन हो गई है। फ्राइडे को इंशाल्लाह आपको वैरायटी नज़र आएगी। अच्छा, अभी ये बताएं एट द टाइम जो है आपके पास अभी कौन कौन सी फ़िशेज़ मौजूद हैं सॉल्ट वाटर में और नॉर्मल फ्रेश वाटर में? फ्रेश वाटर में तो अभी ज़्यादातर लोकल आइटम है जो अपना ये यहीं ब्रीड हो रहा है कराची में ही, जैसे शिपिंग किंग हो गई आपकी, कार्प्स हो गई, ब्लू लाइन शार्क है, वाइट लाइन शार्क्स हो गई, टिनफाइल बार्प हो गई, ये सब लोकल आइटम है जो यहीं ब्रीड हो रहा है। और जो सॉल्ट वाटर में सिर्फ सी हॉर्स पड़े हैं बस। अच्छा, सॉल्ट वाटर में सी हॉर्स पड़े हैं। चलें व्यूवर्स नज़र डालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। जी जनाब, इस टैंक में जो हमारे व्यूवर्स फ़िशेज़ देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, कौन कौन सी फ़िशेज़ हैं? ये जो है भाई ग्रीन टेरा कहलाती हैं, सिकलेट फैमिली में है, ये इम्पोर्टेड फैमिली में आती है सिकलेट। ये छोटे बेबीज़ थे, छोटे से बड़े हुए हैं, तो इनके जो है जब ये 3 इंच का इसका साइज़ है और 1500 का पेयर है। ये 1500 का पेयर है। अच्छा, ये बताएँ कि लोकल है या इम्पोर्टेड है? ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, हाँ इम्पोर्टेड बेबीज थे, उसके छोटे से बड़ा करा है, ये मैं हुए हैं घर के बड़े हैं, जब इनके रेट 1500 का पेयर है ये। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, इसमें आप लोग मेल फीमेल की पहचान कैसे करते हैं? मेल फीमेल की पहचान होती है मैं थोड़े बड़े साइज़ में आकर, क्योंकि छोटे में नहीं होती पहचान इतनी। अभी आप बता सकते हैं इसमें? नहीं अभी मुमकिन नहीं है कि अभी बता सकें आपको मेल। यानी आप अंदाजे से पेयर निकाल के देंगे? जी अंदाजे से 2 पीस पेयर होंगे। अब जो उनकी किस्मत में निकला, हाँ मेल फीमेल निकला, उनकी किस्मत है वो। जी जनाब, इस टैंक के अंदर जो हम फिशेस देख रहे हैं इसके बारे में बता दें व्यूवर्स को। ये जो है इसका रेड जुल कहते हैं, ये भी चिकलेट फैमिली में आती हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेड में भी आती हैं। माँ ये अभी जो मेरे पास रखी हुई है लोकल ब्रीड है, इसका जो छोटा वाला पेयर है वो 500 का पेयर है, और इसमें जो बड़ा पेयर आप देख रहे हैं वो 1000 का पेयर है। वो अगर इम्पोर्टेड में आती हैं तो इम्पोर्टेड में इसी पेयर के रेट होते हैं 3000 रुपये का पेयर होता है ये। अच्छा इम्पोर्टेड में 3000 रुपये का पेयर होता है, लेकिन अभी इसका 1000 रुपीज़ का पेयर है, पेयर है बड़े वाले, क्योंकि लोकल ब्रीड है ये, यानी कि इसकी क्रॉस यहीं हुई है तो छोटी से बड़ी हुई है, जब इसके नॉर्मल रेट है, कम रेट है इसके। अच्छा ये बताएं कि फ़िशेस की ब्रीड हासिल करने के लिए क्या क्या एक्सपर्टीज़ लगानी पड़ती है, ब्रीड कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर हमारा कोई शायकीन दोस्त व्यूवर चाहे कि ब्रीड इनसे ले लें और उनके चिक्स वगैरह आ जाएँ छोटे, तो कैसे, कुछ इसके बारे में बताएँ। सर इसके बारे में थोड़ी मुझे नॉलेज अभी इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ब्रीड करवाई नहीं है। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो प्रोसेस हम मालूम करके रखूँगा आपको, फिर मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। जी जनाब, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इनके बारे में बताएं फिशेस। ये वाइल्ड लाइन शार्क कहलाती हैं, वाइल्ड लाइन शार्क कहते हैं इसको, ये रेड आइज होती हैं, और ये जो है अभी इस टाइम पे 4 इंच का पेयर, 4 इंच का साइज़ भी है इसमें, 3 इंच वाला मिक्स हुआ हुआ सारा साइज़। ये इम्पोर्टेड ब्रीड होती है, ये छोटे बेबीज़ थे, ये भी छोटे से बड़े हुए हैं। और ये तो जब छोटे थे तो उनका साइज़ क्या था? जब छोटे थे तो तकरीबन 2 इंच का साइज़ था, और अभी इस टाइम पर 3 इंच वाला साइज़ भी है, इसमें 4 इंच भी है, सब मिक्स साइज़ है सारा। किसी गिरोह जल्दी हो गई है, किसी की गिरोह सिल हुई है। अच्छा ये बताएं अभी तक सेल नहीं हुई है? नहीं, सेल अल्लाह का शुक्र हो रही है, पेयर यानी सेल हो रहा है, 1200 का पेयर है ये। अच्छा ये बताएं पेयर की क्या डिमांड है? पेयर की 1200 का पेयर है ये, 1200 का पेयर है। और यहाँ पर जो एंजल नज़र आ रही है, ये एंजल ये घर का आया हुआ 1 पीस है, तो ये 1 पीस अभी जो इसकी रिटेल है अभी 1200 का पीस है कि 1200 का पीस है। इतना ज़्यादा महंगा क्यों? एंजल ब्रीड इम्पोर्टेड होती है। इसके तो फिन भी मुझे डैमेज लग रहे हैं। वो फिन डैमेज इसलिए हैं जो इसके साथ जो वैरायटी डली हुई थी उसने थोड़ा यानी इसको हिट करा था, जब भी डैमेज हो गए दोबारा यानी निकल आएंगे इसके फिन। जी जनाब, ब्लू लाइन शार्क के बारे में बताएं। ये ब्लू लाइन शार्क, ये भी आपका ये जो मछली है इसको ब्लू लाइन शार्क कहते हैं, ये भी आप इम्पोर्टेड ब्रीड होती है, ये भी छोटे से यानी बेबीज डाले थे तो छोटे से बड़े करें, तो अभी इस टाइम पे जो इसमें 3 इंच वाला साइज़ भी है, 4 इंच वाला भी, सब मिक्स साइज़ है इसमें भी। ठीक है, ये बताएं पेयर कितने का? ये ब्लू लाइन शार्क का पेयर है, इसमें 800 का पेयर है, 800 का पेयर है। जी जनाब, यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं काफ़ी फुर्तीले और स्मॉल साइज़ में फिशेस हैं, इनके बारे में भी बता दें। जी ये चिकलेट्स के छोटे साइज़ हैं, चिकलेट्स बेबीज़ हैं, इसके अंदर मिक्स हैं, इसमें कॉन्वर्ट चिकलेट है, पोलर ब्लू है, और नॉर्मल जो मलावी चिकलेट्स होती हैं उसके बेबीज़ हैं। अच्छा, तो ये बताएँ कि अभी इनका साइज़ क्या है? अभी इनका साइज़ यानी 1 इंच होगा, आधे इंच यानी मिक्स साइज़ है सारा इसमें। अच्छा, प्राइस बताएं, प्राइस क्या है? ये सब 200 का पेयर है, बाकी दर्जन लेंगे तो 1000 रुपीज़ दर्जन नहीं है, 1000 रुपीज़ दर्जन नहीं है। कोई सी भी ले लें इसमें? कोई भी ले लें इसमें, कोई सा भी ले लें। जी जनाब, इस टैंक के अंदर बताएं। ये मॉलिस हैं, ये मॉलिस कहलाते हैं, ये लोकल आइटम है। वैसे पेयर इसका 100 का है, दर्जन लेंगे आप 500 दर्जन है इसके। अच्छा, 500 दर्जन की। जी जनाब, अरवाना के बारे में बताएँ। जी ये सिल्वर अरवाना है, सिल्वर अरवाना ये छोटा, ये भी छोटा साइज़ डाला था तो ये घर में यानी छोटे से बड़ा साइज़ हुआ है, तो इसमें तकरीबन इसका 8 इंच का 10 इंच का साइज़ ही है। जी जनाब, इसका साइज़ मेंशन करिएगा। साइज़ तकरीबन 8 इंच 10 इंच का साइज़ है ये। अच्छा, प्राइस क्या है? प्राइस इसका पेयर है 14,000 का, 14,000 का पेयर है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल कन्फर्म है या नहीं? मेल फीमेल कन्फर्म नहीं है इसमें, मेल फीमेल कन्फर्म नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसी टैंक के अंदर हम देख रहे हैं और भी फिशेस मौजूद हैं। जी ये शिपिंग किंग कहते हैं इन्हें, शिपिंग किंग हाइफिन्स हैं, ये तकरीबन आपका 4 इंच वाला साइज़, 6 इंच वाला, सब मिक्स साइज़ है इसके अंदर। और इसके जो प्राइस हैं वो 1200 का पेयर है, इसमें 1200 वाला पेयर भी है, 1500 वाला पेयर भी है, मिक्स है सारा इसमें। यहाँ पर जो फिशेस देख रहे हैं इनके बारे में? ये भी शिपिंग किंग है, ये जो ये बड़ा साइज़ है तकरीबन 8 इंच 10 इंच वाला साइज़ है ये, तो इसका 2000 वाला पेयर भी है इसमें, 2500 वाला पेयर भी है इसमें। अच्छा, तो साइज़ के हिसाब से प्राइस मेंशन करिएगा। जैसे आपका छोटा साइज़ है, 7-8 इंच वाला साइज़ है, 2000 का पेयर है, बड़ा साइज़ है 10 इंच वाला तो 2500 का पेयर है वो। जी जनाब, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स देखें टिन फिन बार, इसके बारे में बताएं व्यूवर्स को। जी ये 10-12 पे ये भी वो इम्पोर्टेड ब्रीड होती है। हमारा भी ये जो है छोटे से बड़े साइज़ का रहा है, इसमें छोटे बेबीज़ थे, इसके भी बड़ा साइज़ करके इन सेल हो रही है। ये तकरीबन आपका 4 इंच का साइज़ है, इसमें यानी 3.5-4 इंच पे प्लस है। तो इसके जो रेट हैं वो 800 का पेयर रेट है, इसका 800 का पेयर है। जी स्मॉल साइज़ में जो है टेनफिन के बारे में बताएँ। ये स्मॉल साइज़ है, ये भी यानी छोटा साइज़ है, तकरीबन 2 इंच का साइज़, 2-2.5 इंच का। और इसके जो रेट हैं वो 400 का पेयर है, 400 का पेयर है। जी जनाब जी, ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इस टैंक के अंदर जो है फ्लावर ऑन के बेबीज़ हैं और बाकी मलावी सिकलेट्स के मीडियम साइज़ हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि इनका साइज़ क्या और इनकी प्राइस। जो फ्लावर ऑन का तकरीबन 2.5 इंच का साइज़ है, 2.5-3 इंच का साइज़ है। तो फ्लावर ऑन के जो रेट है 1500 का पेयर है, और बाकी मलावी सिकलेट जो मीडियम साइज़ की हैं उसका जो 800 का पेयर है। जी जनाब, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज़ की येलो कलर के अंदर और ऑरेंज कलर के अंदर हमें फिशेस नज़र आ रही हैं, इनके बारे में बताएं। जी भाई, ये टेट्रास फैमिली में आती हैं, इनको डाइनो टेट्रास कहते हैं। जी ये जो साइज़ होते हैं छोटी नस्ल की होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये आपका बढ़ेगा तो 1 इंच और साइज़ बढ़ जाएगा इसमें। और इसका जो रेट है वो 200 का पेयर है, और दर्जन लेंगे तो 1000 रुपीज़ दर्जन है। 1000 रुपीज़ दर्जन है। जी जनाब, ये तो आपने फ्रेश वाटर की फ़िशेस दिखाई हैं, अब सॉल्ट वाटर में भी जो आइटम है वो दिखा दें व्यूवर्स को। जी जी आ जाएँ, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आप। जी जनाब, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स सी हॉर्स देख रहे हैं। जी ये आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट वाटर का टैंक है। इस टैंक के अंदर सी हॉर्स हैं। सी हॉर्स के अलावा एक वैरायटी और जेब्रा में जो है वो बटरफ्लाई इम्तियाज़ कहलाती है। जी जनाब, सी हॉर्स से मुतालिक फ़र्दर इन्फॉर्मेशन दें। सी हॉर्स जो हैं इम्पोर्टेड आइटम होते हैं, यानी सॉल्ट वाटर के मैरीन सेटअप होते हैं, उनमें रहते हैं ये साथ। तो इसमें जो है मेल फीमेल भी आते हैं, तो ये क्रॉस वगैरह भी करते हैं, ब्रीडिंग भी होती है इनकी। बहुत थोड़ी केयर चाहिए होती है ब्रीडिंग के लिए। तो ब्रीडिंग के लिए क्या एनवायरनमेंट दिया जाता है? ये जो हम देख रहे हैं ये पत्थर वगैरह जो रखे हुए हैं, ये इसी तरीके से रखे जाते हैं। जी बिल्कुल इसी तरीके से रखे जाते हैं। बाकी इसमें प्लांट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, या मुमकिन हो तो इसके जो बेबीज़ होते हैं उनको अलग करके आप वही मैरीन सेटअप में आप छोटे से बड़ा कर सकते हैं, और थोड़ी केयर चाहिए होती है। और बाकी इसमें दूसरी जो वैरायटी है वो खिलाती है बटरफ्लाई इम्तियाज़। अच्छा, सी हॉर्स की प्राइस बताएं। सी हॉर्स जो है इसमें 5000 का पीस है। 5000 का पीस है, और पेयर अगर कोई लेना चाहे तो 10000 का पेयर है। 10000 का पेयर है। जी जनाब, यहाँ पे जो फ़िश नज़र आ रही है, जी ये बटरफ्लाई इम्तियाज़ कहलाती है। ये तकरीबन 2 इंच का साइज़ होता है, 2-2.5 इंच का साइज़ होता है, और इसके जो रेट है वो 2000 का पीस होता है। 2000 रुपये का पीस है। अच्छा, ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि इसमें फ़िशेस कितनी हैं और सी हॉर्स कितने हैं इस टैंक के अंदर। सी हॉर्स मैक्सिमम इसमें होंगे 5-6 पीस होंगे सी हॉर्स के। सी हॉर्स के 6 पीस हैं, और जो दूसरी है बटरफ्लाई इम्तियाज़ उसका खाली 2 पीस है बस। जी व्यूवर्स देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है सी हॉर्स, और देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो अल्लाह की कुदरत है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, और देख सकते हैं किस तरीके से ये मूवमेंट करता है। ये फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं हम भी, और पत्थर में किस तरीके से ये बैठ रहे हैं, देख ही सकते हैं आप लोग कितना इजी फील कर रहे हैं। और इसमें हमें 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक वाइट शेड के अंदर नज़र आ रहा है और एक थोड़ा सा डार्क पर्पल शेड के अंदर नज़र आ रहा है। जी जनाब, यहाँ पर जो फ़िशेज़ हैं इनके बारे में बताएँ। ये सॉल्ट वाटर की। जी भाई, ये भी सॉल्ट वाटर की फ़िशेज़ हैं, मगर भाई इसके थोड़ा नाम कन्फ्यूजन है, क्योंकि नाम जो है इनके काफ़ी हार्ड हैं, जब नाम याद नहीं है इनके। उसके अलावा जो है इसमें कॉरल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, वो देख लें आप, क्योंकि इसमें कॉरल्स में वो है ब्रैंक कॉरल है, इसके अलावा वो बटन पुलिप्स हैं, टॉर्च कॉरल है। तो 2-3 किस्म के कॉरल्स वगैरह भी होते हैं, लाइफ होते हैं सारे इनके। अभी तो ये बंद हुए हैं, जब खुलते हैं तो इनके टेंटिकल्स बड़े होते हैं काफ़ी, यानी 2-2 इंच के 1.5 इंच के टेंटिकल्स होते हैं। अच्छा, तो प्राइस क्या इनकी? इसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे ब्रैंक कॉरल आपका 4000 वाला पीस भी है, क्योंकि ये लोकल आइटम है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट में तो काफ़ी महंगे होते हैं। ये लोकल हैं, जब इसमें 4000-6000 का एक पीस होते हैं। इम्पोर्टेड में जाएंगे तो ये आपका 12000 रुपये 15000 रुपये का एक पीस आता है। बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और लुक वाइज अच्छे होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। और इसके अलावा और जो वैरायटी है उनकी प्राइस भी मेंशन कर दें। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ में आपका बटन पुलिप्स हो गया, वो आपका 1500 रुपये का 2000 रुपये का पीस होता है, और टॉर्च है, टॉर्च थोड़ा महंगा होता है, 4000 रुपये का पीस होता है। इस तरह ब्रैंक कॉलर है, वो भी ब्रैंक कॉरल भी है, छोटा साइज़ है, वो भी 2500-3000 रुपये का पीस है। तो व्यूवर्स आप लोगों को बता दूं कि अभी फिशेस इंपोर्ट नहीं हुए, लेकिन आप व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आकर हमने कवरेज करी, खासकर आप लोगों को बताने के लिए कि फिशेस इंपोर्ट नहीं है। बहुत सारे व्यूवर्स हमें कमेंट में बार बार कह रहे होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वाकई हो गए होंगे कि यहाँ पर वाकई फिशेस इंपोर्ट नहीं है। और क्योंकि लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आप लोग एक्वेरियम हाउस की अपडेट नहीं दे रहे, एक्वेरियम हाउस की अपडेट नहीं दे रहे, तो उम्मीद करता हूँ कि उन लोग को भी पता चल गया होगा कि एक्वेरियम हाउस की क्यों अपडेट नहीं दे रहे, क्योंकि फ़िशेज़ अभी नहीं आई हैं। जी जनाब, जो हमने फ़िशेज़ देखी हैं अभी फ्रेश वाटर के और सॉल्ट वाटर के, उसमें क्या कमी पेशी करेंगे व्यूवर्स के लिए? जी कमी पेशी इंशाल्लाह हो जाएगी, जब व्यूवर्स आएंगे तो इंशाल्लाह जो भी मुनासिब रेट होंगे उनको दे दिए जाएंगे, उनको इंशाल्लाह कंप्लेन नहीं मिलेगी रेट के हिसाब से, रेट के उसमें कंप्लेन इंशाल्लाह कभी नहीं मिलेगी इस दुकान से। चलें अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें। जी 0320 025 0643। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। हमारे व्यूवर्स का ख्याल रखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर। तो व्यूवर्स ये था लेटेस्ट विज़िट एस के मरीन शॉप का। उम्मीद करता हूँ कि ये विज़िट आप व्यूवर्स को पसंद आया होगा और आप लोग हो सकता है डिसअपॉइंट भी हो, क्योंकि यहाँ पर फिशेज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंशाल्लाह फिर दोबारा जब कवरेज करेंगे, जब फिशेज़ यहाँ पर आएंगे तो कवरेज करके आपकी खिदमत में एक मुकम्मल वीडियो पेश करेंगे। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।